आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्या बच्चे स्कूल ना जा पाने के कारण अवसाद के शिकार हो गए हैं? क्या बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं? इस बारे में जब एक चिकित्सक से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, ये भी सुनते हैं। कोविड महामारी ने बच्चों की लाइफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। कोविड की वजह से बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे अवसाद और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो सुनिए चिकित्सक की जुबानी। ये तो बिल्कुल सही है, शारीरिक तो जो है तो है। अभी तक तो बच्चे बाई गॉड्स ग्रेस बचे रहे हैं। उम्मीद है आगे भी पेरेंट्स अगर सावधान रहेंगे तो बच्चे आगे भी बचे रहेंगे। बट लाइक मेंटली दे आर बीइंग अफेक्टेड, और मैं भी देख रहा हूँ, मेरे कलीग्स भी देख रहे हैं कि हाँ, बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह से आ रही हैं। डिप्रेशन इज अ समथिंग विच इज़ वेरी वेल नोन बाय पेरेंट्स, बट इरिटेशन इज समथिंग जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है उनके साथ। देखिए, उनकी रूटीन में इतना ज़्यादा चेंज आया है कि भाई जब बड़े लोग घर में रह के परेशान हो जाते हैं तो बच्चे तो इमेच्योर हैं, ये तो ज़्यादा परेशान होंगे। चिकित्सक का कहना है कि पेरेंट्स इस तरह की बात उनसे करते हैं। बच्चे 24 घंटे घर में रहकर परेशान हो चुके हैं। बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, उन्हें ज्यादा रोका-टोकी पसंद नहीं होती है। बच्चों को जहां तक हो सकता है उन्हें उनके चॉइस के इंडोर गेम्स में ऑक्यूपाई करके रखें। जो उनकी हॉबीज है उसके लिए टाइम उन्हें जरूर दें। बच्चे ऑलरेडी स्क्रीनिंग इतना ज्यादा कर करके कि भाई स्कूल के क्लासेस उस पर हो रहे हैं, अपने फ्रेंड से भी इंटरेक्शन उनका उसी पर हो रहा है, खेलने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, YouTube वगैरह पे वो लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं, YouTube Netflix पे अपना टाइम निकाल रहे हैं बच्चे। आपको इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ये ध्यान देना पड़ेगा, कुछ हॉबी जैसी जिस पे के पेरेंट्स पहले फोकस नहीं करते थे, एग्जांपल बोर्ड गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स हो गए, कुछ उस तरह के गेम्स रखें उनके लिए बच्चों के, जिसमें कि उन्हें धीरे धीरे करके आ जाए, आदत पड़ जाएगी बच्चों को धीरे धीरे खेलते हुए। उनका ध्यान रेगुलरली अगर डाइवर्ट होता रहेगा तो उन्हें प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बेसिकली व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, उस केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने का, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तो निश्चित तौर से बच्चे कुछ ज़्यादा हद तक परेशान हो चुके होते हैं। बच्चे 2020 फरवरी और मार्च से ही स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हैं। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन क्लास ऑनलाइन चल रही है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बेताब हैं। चिकित्सक भी मानते हैं कि बच्चे घर में रहकर परेशान हो गए हैं, इसलिए अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाए, और बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल जाएं और अपने दोस्तों के साथ खेलें कूदें और पढ़ें। बच्चों का मानसिक तनाव तभी दूर होगा जब स्कूल खुलेंगे और वो स्कूल जाएंगे। विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।